मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में बात? कैरन के मर्डर के बारे में बात करनी है। तुम एमिर के आदमी नहीं हो, तुम्हारा मकसद कुछ और है, ये बात मैं जानता हूं। तुम शादी वाले दिन मुझे सब बताने वाले थे, लेकिन तुमने बताया नहीं मुझे। आप गलत हैं मिस्टर केमाल, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन आपको बस भरोसा नहीं करना है मिस्टर केमाल। तुम्हारे बॉस ने तो मुझे कुछ और ही बात कही, उन्होंने कहा कि वो मर्डर का इल्जाम तारिक पर डाल देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप इस केस को आगे बढ़ाते हैं तो तारिक को वो जेल भेज देंगे, क्योंकि उसी ने कैरन को मारा है। कैरन का खूनी वही है। तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो। मिस्टर केमाल, आप मुझ पर यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन इस बार मैं नहीं फंसा रहा हूं। तारिक के पास गवाह है, वो उस रात बानू के साथ थे। ठीक है, फिर चलिए हम उसे मिलकर ढूंढते हैं। आपको मेरे सोर्सेस बताता हूं और इसे साथ में देखते हैं, ताकि आपको मुझ पर यकीन हो जाए। मिसेस बानू उस दिन कंपनी में कब आई और कब गई, उसकी सारी डिटेल्स है मेरे पास। मैं चाहूं तो उसे बदल सकता हूं, उसके पहले आप वो डिटेल्स देख लीजिए। चलिए साथ में चलकर डिटेल्स देखते हैं। तारिक, मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं, क्या तुमने कैरन को मारा है? क्या पागल हैं? कहीं बीमार तो नहीं आप? पहले केमाल ने पूछा और अब आप? ये क्या हो रहा है? क्या किसी को मर्डर बुलाना इतना आसान है आपके लिए? मैं उस बिचारी को क्यों मारूंगा? आप क्या करना क्या चाहती है मेरे साथ, बताइए। मैं नहीं, बल्कि एमिर तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम उस आदमी टेरन को जानते हो जिसने मुझे किडनैप किया था? उसने मुझसे कहा कि एमिर ने उस कैरन को मारा है, और एमिर ने मुझसे कहा है कि तुमने उसे गलती से गोली मार दी। क्या ये सच है? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं मारा। अगर उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है तो बस कीजिए। कोई मुझसे कुछ भी नहीं करवा रहा और कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा। मैं नहीं जानता कि मिस्टर एमिर ने आपसे ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं शांत रहूंगा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी बॉस की बीवी हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? बानो अकमेरिक उस तारीख को यहाँ आई थी जिस दिन आपने बताया था, सुबह तकरीबन 9:45 बजे। और वो यहाँ से कब निकली? रात को 8:30 बजे। ये उनके काम की लिस्ट है, इसे आप देख सकते हैं, ये लीजिए। अब ये प्रॉब्लम आपकी है कि आपको मुझ पर भरोसा करना है या नहीं करना। आप मंडे को 6 से 7 के बीच कहाँ थे? ये मेरे साथ था, हम दोनों 7 बजे मूवी देखने गए थे, और फिर मेरे माइग्रेन की वजह से हम घर लौट आए थे। टिकट मेरे बैग में होंगी अगर मैंने फेंकी ना हो तो। अगर तुम चाहो तो हम ढूंढते। मिसेस बानू आज कहाँ है? वो आज नहीं आएंगी, वो घर पर ही हैं।
कोस्क्यू गोलू होल्डिंग की मीटिंग में शामिल होने के लिए आप सभी शेयर होल्डर्स का शुक्रिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम जितना चाहे कोशिश कर सकती हो। देखना तुम मुझसे भीख मांगोगी। तुम्हें इस पर यकीन है? स्वागत है। कभी हार मत मानना तुम। आप लकी हैं कि मिस्टर ऑन्डर आपको सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि बीवी की बहन बीवी से बेहतर होती है। तुम्हें तो इन सब चीजों के बारे में काफी पता है। लगता है मुझे सिर्फ अपने हक के काम नहीं करने बल्कि लोगों को तमीज भी सिखानी है। थैंक यू सो मच। बहुत बदतमीज हो। मिसेस लैला, मैं आपको बहुत ही एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि होल्डिंग पार्टनरशिप पर चलती है और आपकी पहले ही दिन इस तरह की नासहमति ने आपको हमसे अलग कर दिया। मैंने मना इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आपसे अलग रहना था। तो आपने मना इसलिए किया क्योंकि आपको ये जताना था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम बहुत स्मार्ट हो। मुझे आपको मेरे कैबिन से पास होते हुए देखना बहुत अच्छा लगेगा मौसी जी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मिसेज लैला के साथ बदतमीजी करो। क्यों? तुम्हें किसी दिन समझ में आ जाएगा। सब कैसा रहा? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बताइए। पहला राउंड बहुत ही अच्छा था। मैं गई और थोड़ा शो ऑफ भी किया। मेरी वजह से मेजॉरिटी वोट्स काउंट नहीं हो पाए और पता है तुम्हें, इसलिए अगले हफ्ते फिर से एक असेंबली होगी। बहुत अच्छा हुआ। आप अकेले घर जा सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपसे मिलता हूँ। मिस्टर केमाल, मेरे साथ चलो। जो कहना चाहते हैं यही कहिए। क्या ये तुम्हारी नई गेम है? कौन सी गेम? देखो एमिर, मैं तारिक को बलि का बकरा बनने नहीं दूंगा। क्या? एक्टिंग मत करो जैसे कुछ पता नहीं है। तुमने तारिक को फंसाया और उस पर मर्डर का इल्जाम लगाने की कोशिश की। नहीं। कितना झूठ बोलोगे? क्या इसलिए तुम ऐसे उलझे हुए रहते हो? या तुम्हें सच्चाई का सामना करने में तकलीफ होती है केमाल? पता है मुझे अपने बारे में कौन सी बात पसंद है? मैं लोगों को खुद पर डाउट करने देता हूँ और फिर सच्चाई उसके सामने रख देता हूँ, लेकिन उन्हें मुझ पर फिर भी भरोसा नहीं होता। और अगर उन्हें सच्चाई से धोखा लगे तो वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरफ पेश आते हैं, ऐसे ही उलझे हुए रहते हैं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते मिस्टर केमाल। मिस्टर केमाल, ये दुनिया एक सर्कस है और मुझे खेलना पसंद है। सब मेरे खिलौने हैं, ये भी अब तक नहीं समझे? जहीर, काम कुछ आगे बढ़ा या नहीं? अभी ढूंढ ही रहा हूँ। बाकी आपके क्या हाल है बताओ? मेरे भाई ने मुझसे छूट कहा, वो उस रात बानू के साथ नहीं थे। तुम चुप क्यों हो गए? ये सब थोड़ा मुश्किल है भाई, अगर ये एक जाल है तो इससे बचने का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। उम्मीद है कि हो। तुम्हें लगता है कि रास्ता होगा? मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि लोग हमेशा आसान चीजें नहीं करते हैं। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये एमिर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है। मुझे तो लगता है कि तानेर अभी भी लापता है। लगता है ये एमिर ने उसे भी मार दिया होगा। Thank you.
क्या तुम घर पर हो? हाँ घर पर हूँ। वो बेवकूफ तारिक, वो यहाँ नहीं है। मैं वहाँ आ रहा हूँ। क्या मिस्टर रेमिर यहाँ पर है? नहीं, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर आओ। तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो? हाँ, क्या तुम मिस्टर रेमिर के साथ मुझे बेवकूफ बना रहे हो? बताओ मुझे। ये बकवास करना बंद करो और कहो कि कहना क्या चाहते हो। मेरी बात सुनो, मिसेस निहान मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने कहा कि मिस्टर रेमिर ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। हाँ तो क्या हुआ? हाँ तो क्या मतलब है? तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? आखिर सब मेरे पास क्यों आ रहे हैं? अगर सबको सच सच पता चल गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, ये मजाक नहीं है। मिस्टर रेमिर पर भरोसा करो, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। मुझे मिस्टर रेमिर पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, ऐसे क्या? अगर मुझे तुम्हें नीचा गिराना होता तो मैं उन्हें बानू और तुम्हारे बारे में कब का बता दिया होता। तारिक, मिस्टर रेमिर इसके बारे में क्या सोचेंगे? अगर आज बानू है तो कल वो उनकी बीवी भी हो सकती है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वो तुम पर भरोसा कैसे करेंगे? हाँ बताओ मुझे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी तूफान। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, इस बात को भूलना मत तुम, समझ गए तुम? तारिक, अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो अपने लोगों का सहारा लेता, उनके खिलाफ नहीं जाता। तुम होते कौन हो मेरे लिए मुसीबत खड़े करने वाले? अभी से मुझसे बचकर रहना तूफान, समझ गए तुम? हाँ, हाँ आंसू बोलो। तुम कहाँ हो केमाल? मुझे कुछ काम है, मैं बस रास्ते पर ही हूँ। सब ठीक तो है ना? अंकल को ठीक नहीं लग रहा। तुम अभी कहाँ हो? हॉस्पिटल में हो क्या? नहीं, वो हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे हैं। कहते हैं कि अब उन्हें घर ही रहना है। वो मेरी बात नहीं सुन रहे केमाल, प्लीज तुम आकर समझाओ। ठीक है, मैं आके बात करता हूँ, तुम डॉक्टर को फोन करो। ओके। काश हम तब मिले होते जब मेरा भाई और निहान एक साथ थे। क्यों? हम 5-6 साल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने रह सकते थे, कितना अच्छा होता ना? सच में अच्छा होता। और फिर मुझे निहान के लिए कभी इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि निहान की शादी अमीर से ना होके केमाल भाई से हुई होती। इसका क्या कनेक्शन है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उनकी शादी तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने फिर अपनी जासूसी शुरू कर दी जरा। देखो, इन बीती बातों को करके कोई फायदा नहीं, आगे लंबी जिंदगी पड़ी है, उस बारे में सोचना चाहिए। कम से कम इतनी लंबी तो हो जिसमें तुम अपने बारे में सब बता सको। इस बात का क्या मतलब हो? माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? माँ जी, हमसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं, हमें बच्चा समझ के, नादान समझ के हमें माफ कर दीजिए। मुझे जाने दो। प्लीज मत जाइए, प्लीज मत जाइए मुझे छोड़कर। ये फैसला तुमने खुद किया है, अब तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए इसके लिए। जाओ और अपने घर में खुश रहो, बस यही दुआ है कि तुम्हें पछताना ना पड़े।
क्या तुम पागल हो या हम पागल हैं? केमाल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम पागल हो? हम दोनों पागल हैं, इसलिए यहाँ साथ में हैं। क्या तुम नर्वस हो रहे हो? नहीं, मैं पहली बार थोड़ी इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं नर्वस क्यों होऊंगा? मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, डोंट वरी। लेकिन तुम्हारे पैर से तो ऐसा नहीं लगता। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम कुछ पढ़ लो और अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं सच में नर्वस हो जाऊंगा। तुम पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो। आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए अपना प्यार किस तरह जताया? तुम कैसे जताते केमाल? केमाल, जब तुम अंदर मीटिंग में जाओगे तब तुम जोर से चिल्लाना, निहान, आई लव यू, आई लव यू। तुम ये क्या कर रही हो निहान? चुप हो जाओ, सब यही देख रहे हैं। देखने दो उन्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल बनो, अंदर जाओ और जोर से बोलो आई लव यू निहान। तुम्हें मेरे साथ में लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो? यहाँ मैं ये सब करने आया हूँ? हमारे पास इस मैगजीन में लिखने के लिए क्रेजी लव स्टोरी नहीं है, और तुम अब भी लोगों का सोच रहे हो केमाल, ये बहुत ही बुरी बात है। एक काम करो। क्या करूं मैं? तुम ऐसा करो और मैं मैगजीन में लिखवाता हूँ। ठीक है, तो करो ना। मैं यहाँ किसी जॉब की मीटिंग के लिए आया हूँ, यहाँ इसके साथ डेट पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ मैं अंदर भेजती हूँ। केमाल सौदे, अंदर जाइए मिस्टर केमाल। अच्छा देखो, मैं ठीक लग रहा हूँ ना? टाइट ठीक है? मैं ठीक कर देती हूँ। हाँ, ये ऐसे, ज्यादा टाइट मत करो। और ये ऐसे, बस हो गया ना? हाँ हो गया। केमाल, थैंक यू सो मच। हम आपको कॉल करके बताएंगे कि प्रोग्रेस क्या हुई है। थैंक यू सो मच, आपके कॉल का इंतजार रहेगा। थैंक यू, बाय। जैसे गुलाब के फूल और उसके कांटे, वैसे मैं और तुम्हारे लिए मेरा प्यार, दो हाथ जब हो एक साथ में, वो है मेरा तुम्हारा प्यार। मैं नहीं जानती कि तुम्हें दिखाई देता है या नहीं, लेकिन मैं करती हूँ तुमसे प्यार। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मैं रो रही हूँ। क्या तुम हंस रहे हो? ये है मेरा प्यार। क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? क्या मुझसे तुम करते हो इतना प्यार? अरे 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 निहान, क्या हुआ? हाँ,
मैं केमाल के बिना क्या करूंगी? शांत हो जाओ मेरी बच्ची, शांत हो जाओ। उसके लिए मैं एक गलती बन गई। नहीं ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं है। किस करके उसने मुझसे माफी मांगी? अच्छा, जैसे कि तुम केमाल को जानती नहीं, उसकी जिंदगी में कुछ लिमिट्स हैं और वो चाहे तुम्हें कितना भी प्यार करे पर ये सब नहीं कर सकता है। तो उसने किस क्यों किया? मुझे लगता है क्योंकि वो पहली बार में ये समझ नहीं पाया होगा। तुम किसी कहानी की परी नहीं हो और वो कोई सुपरमैन नहीं है। क्योंकि वो पहली बार में ये सब बातें समझ नहीं पाया। तुम्हें नहीं लगता? मैंने उसे एमिर के साथ देखा है नेहान, उसकी आंखों में जुनून देखा है मैंने। अगर तुम एमिर से अलग हो गई होती तो तुम यहाँ नहीं बल्कि कहीं दूर होती। मैं नहीं जानती एमिर का साथ क्यों नहीं छोड़ सकती। मुझे बताओ, तुम एमिर को छोड़कर केमाल को क्यों नहीं अपना सकती? मैं दूर हो सकती हूँ। क्या एमिर तुम्हें हारना बर्दाश्त कर पाएगा? हाँ, क्या वो तुम्हें केमाल के साथ रहने देगा? क्या तुम्हें यकीन है वो पागल तुम्हें ऐसा करने देगा? केमाल को हर उस मिनट की कीमत चुकानी होगी जब वो तुम्हारे साथ होगा। आप सही कह रही हैं, एमिर तो सच में कुछ भी कर सकता है। देखो, जहां तक तुम सोच रही हो ये सब खतरों से भरा है। नेहान तुम्हें बचाने के चक्कर में केमाल को गोली लग सकती थी। तुम लकी हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लक कब तक काम करेगा? कब तक वो तुम्हारे लिए जोखिम उठाता रहेगा? बस कीजिए लैला, आगे कुछ मत बोलिए। मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन केमाल से दूर होने की बात से मैं डरती हूँ बहुत। ये बात मुझे चुभती है। अगर केमाल को किसी और से प्यार हुआ तो? अगर उसे कोई और पसंद आ जाए तो? जैसे कि आंसू। तुम्हें लगता है वो तुम्हें प्यार करना बंद कर देगा? और अगर मैं एमिर से कभी पीछा नहीं छुड़वा पाई तो? किसी ना किसी दिन केमाल सच्चाई को मान लेगा। उसे अपनी जिंदगी जीनी होगी, उसे शादी करनी होगी, बच्चे करने होंगे। तो वेलकम। काश मैं ऐसा कह सकती। मैं लीला से मिलने आई थी क्योंकि केमाल नहीं था, इसीलिए। क्यों? ताकि वो दोनों को संभाल सके? अच्छा छोड़िए ना, अंदर नहीं, इसकी जरूरत नहीं है लीला। और बेहतर होगा कोई मेरे बेटे के लिए कुछ न सोचे, क्योंकि केमाल की शादी अस्सू से ही होगी। इस बारे में बात करने का ये सही वक्त यही नहीं है। सही वक्त है। और सबको ये पता हो कि ये सिर्फ मिस्टर हकी की ही इच्छा नहीं है, बल्कि मेरी और उसके पापा की भी है। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो तुम उसे छोड़ दोगी, उसके लिए रुकावट नहीं बनोगी। तुम एक शादीशुदा औरत हो, उसे झूठी उम्मीद से मत बांधे रखो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। क्या तुम ये नहीं सोच रही कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? किसी अच्छे काम के लिए तो नहीं आए हो? तुम बिल्कुल गलत हो। मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी? चिंता मत करो, काम बहुत आसान है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, काफी इजी है, तुम आराम से कर सकती हो।
अच्छा हुआ मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गई, और मेरे दिल में जो भी था मैंने उसे सब सुना दिया। और दिल भी तोड़ दिया। यही सच है, उसे पता चले वो क्या कर रही है, उसके लिए मैं अपने बेटे को क्यों कुर्बान करूं? चीनी लेंगी? थोड़ी सी, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। किमाल अब बड़ा हो गया है, उसे अब परमिशन की जरूरत नहीं है। एक माँ के लिए अपना बच्चा हमेशा छोटा होता है, सोच कर देखिए। मैं हर रात एक डर के साथ सोती हूँ कि मेरा बेटा एक शादीशुदा लड़की के साथ है। अगर उसके पति ने मेरे बेटे के साथ कुछ कर दिया तो, या फिर किमाल ने कुछ गलत कर दिया और जेल चला गया तो, आप समझ नहीं रही हैं। सोचिए, ये सिर्फ किमाल की भलाई की बात नहीं है, इसमें सबकी भलाई है। लेकिन आप उन्हें बढ़ावा दे रही हैं। आप ये सही नहीं कर रही हैं, इससे दोनों की जिंदगी बर्बाद होगी। मेरी बात मानिए, आप इस लड़की से कोई रिश्ता मत रखिए। निहान तो मेरे मरने तक मेरी जिंदगी में रहेगी। किमाल से भी बढ़कर है तो ठीक है। अरे उसके लिए मेरे दिल में अलग जगह है। किमाल मेरा बेटा है और निहान मेरी भतीजी है। क्या? विल्दान मेरी बहन है, निहान मेरी भतीजी और ओजान भतीजा, मैं उनकी मौसी हूँ। इसका मतलब वो आपका परिवार है और आपने जानबूझकर किमाल को फंसने दिया इस लड़की के जाल में। लैला, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ, हमें तो ये सब पता नहीं था। आपने उन दोनों को रोका क्यों नहीं, और आपने हमसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया, हमें खबर तक नहीं लगने दी। ओह, आपने ये क्या किया, आपको शर्म आनी चाहिए। मिसेस फहमे, क्या तुम समझ गए तुम्हें क्या करना है? तुमने जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं समझ गई क्या करना है मुझे। उसकी मुसीबत। क्या? मैं उसकी मुसीबत हूँ, मैं बहुत खतरनाक हूँ। अब उसे मुझसे बचना होगा। यहाँ आओ। मैं यही ठीक हूँ। बकवास बंद करो और जैसा मैंने कहा वैसा करो। यहाँ आओ। ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें मिस किया। उस आदमी में ऐसी क्या बात है जो तुम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती? मैं सब धीरे धीरे खत्म करूंगी। ऐसा मत करो एमीर। तुम उस आदमी से प्यार करने लगी हो? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, सच कह रही हूँ। तो मुझे यकीन दिलाओ। पक्का कुछ पीना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। लो, वो आ गया जिसका इंतजार था। बैड लक। मैंने तूफान से बात सुन ली तो सोचा क्यों ना यहीं आके तुमसे मिल लूं। क्या यह सच है तारिक?
क्या सच है मिस्टर अमीर? क्या तुम बानो से सच में प्यार करने लगे हो? तूफान एक खतरनाक आदमी है सर, वो कुछ भी बोल रहा है सर। पहले मुझे जवाब दो तारिक। हमने कुछ भी गलत नहीं किया मिस्टर अमीर। इसका क्या मतलब है? मैं जानता हूं आपके बारे में, लेकिन वो अब खत्म हो चुका है और इसीलिए भी, वरना मैं ऐसे कभी नहीं करता। मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाता। मैंने कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया मिस्टर अमीर। मैं मिस्टर अमीर, मैं बानू से प्यार करता हूं और मैंने आपको रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन आप नहीं रुके। अगर मुझे इसके लिए गोली मारेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बानू को नहीं जाने दे सकता। मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारी सच्चाई की दाद देता हूं। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मिस्टर अमीर, जब तक तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तब तक सब ठीक है, समझ गए तुम? नहीं, दरअसल बात कुछ और है। बोलो। आपकी पत्नी मिसेस निहान आज मुझसे मिलने आई थी। आपने उनसे कहा कि कैरन को मैंने मारा है? हाँ। लेकिन आपने ऐसे क्यों कहा उनसे? कैरन के पति ने मरने से पहले निहान को सब कुछ सच बता दिया था, तो क्या मैं तुम्हें बचाने के लिए उससे ये कहता कि कैरन की मौत का जिम्मेदार मैं हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारा इंश्योरेंस हूं, समझ गए तुम? मिस्टर अमीर, मुझे आपकी बात पर भरोसा है, लेकिन अभी फिलहाल जो हो रहा है, काफी परेशान हूं मैं सर, उससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है सर। आपने झूठ क्यों कहा मुझसे? ये मैं तुम्हें भी सिखा रहा हूँ, जल्दी सीख जाओ। तुम शुरुआत से ही अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, समझे? वफादार रहो, यहाँ सिर्फ मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ, बाकी कोई नहीं है तुम्हारे साथ। मेरा यकीन मानो, तुम बिल्कुल अकेले हो, समझ गए ना तुम? मिस्टर हक्की, आपने तो हमें डरा ही दिया था। ये तो अच्छा है कि मैं और आंसू आपके पास में ही है। आपको घर पे नहीं रहना चाहिए, आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या तुमने इसे ऐसा कहा? अंकल, आप उसे हॉस्पिटल मत समझिए, आप बस यही सोचिए कि आप एक रूम बदल रहे हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, है ना केमाल? बिल्कुल सही कहा, और आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वहां तुम्हारे हाथ का खाना याद आएगा। आप बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह कर रहे हैं। तुमने मेरे लिए सूप बनाया था ना, वो ले आओ, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। ठीक है, जैसा आप चाहें। देखिए मिस्टर अक्की, आप प्लीज इस तरह जिद मत कीजिए। मुझे और आंसू को आपको ऐसी हालत में देखकर तकलीफ होती है। क्या वो मुझे हॉस्पिटल में देखकर खुश हो पाएगी? एक बूढ़ा आदमी मरने की कगार पर है और दवाइयों पर जिंदा रह रहा है, क्या वो देख पाएगी? ठीक है, आप परेशान मत होइए, ज्यादा सोचिए मत। हॉस्पिटल में मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं अपने घर पर ही सुकून से मरना चाहता हूँ बेटा। देखिए, हम दोनों को पूरा यकीन है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे,
उसे बस खुश रहने की जरूरत है, चाहे घर हो या अस्पताल हो। मेरे पास बहुत कम वक्त है, वो मुझे खोकर दुखी हो जाएगी। इस सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम उसका हाथ पकड़ लो। मेरे जाने के बाद उसका हाथ थाम लो बेटा, उसे खुश रखना, ताकि वो मेरे जाने के बाद मेरी याद में अपने आप को नुकसान न पहुंचाए। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो सिर्फ यही कर सकते हो मेरे लिए। मिस्टर हकी, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, ये मेरी सोच है बस। मैं चाहता हूं कि तुम इसके बारे में थोड़ा सोचो जरूर केमाल। मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। लो आ गई मेरी बेटी। शुक्रिया मेरी बच्ची, शुक्रिया। ये लीजिए। हाँ। ये लो निहान, तुम्हारी बदौलत हम कभी भी नैपकिन्स पर गिव अप नहीं कर सकते। मुझे चिढ़ा मत। तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ। कभी आंसू अब मिसेस फहीम में तुम बस रोती रहती हो और गुस्सा करती हो। मुझे मेरी दोस्त वापस चाहिए निहान। मेरा यकीन मानो, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम बस केमाल को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती हो, लेकिन तुम एमेर से भी डिवोर्स नहीं ले सकती। मैं नहीं समझ पा रही कि तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन एमिर सबसे टफ है। ये बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा? कुछ दिन पहले ही तुम कहीं गई थी और तब वो यहाँ पूछताछ करने आया था। जब तुम ऐसी हरकतें करती हो तब वो गुस्सा होता है। मैं बस दूर रहना चाहती थी, मुझे ये सब बातें परेशान कर रही थी। ठीक है, लेकिन तुम उसे बता तो देती तो क्या अब तुम रोती ही रहोगी? अच्छा, अब रोना बंद करो और अपने आप को थोड़ा संभालो निहान। मुझे कुछ मिला है, मुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए था, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। हाँ, अब कर रही हो ना बात, बताओ प्लान क्या है। मुझे डराओ मत निहान, तुम क्या करने वाली हो? मैं कुछ करने वाली हूँ, तुम्हें ये रखना होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ये कितना अच्छा कॉन्वर्सेशन था, थैंक यू। हद करती है ये। मैंने उन्हें दवाई दे दी है, वो सो गए हैं। आओ बाहर चल के बात करते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लाओ ये मुझे दो। मेरे साथ दरवाजे तक तो आ सकती हो ना, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आंसू, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मिस्टर हकी भी बिल्कुल मेरे पापा जैसे ही हैं। वो हमारे पापा हैं किमाल, हम अपने पापा को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मैं नहीं जानता सो, पर जैसा वो चाहते हैं वैसे हम नहीं रह सकते। देखो, वो तुम्हें बस खुश देखना चाहते हैं, और तुम ऐसे रोगी तो वो और दुखी हो जाएंगे। तुम्हें उनके लिए खुश रहना होगा, झूठा ही सही। मैं खुश कैसे रहूं? क्या ये इतना आसान है? मैं जानता हूं कि आसान नहीं आसू, लेकिन तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। अंदर दर्द हो रहा है, फिर भी मुस्कुराना पड़ेगा आंसू। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ, बस इस वक्त उनके सामने मायूस मत रहो। देखो, उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए उनके साथ रहो, उनके साथ यादें बनाओ, ताकि उनके जाने के बाद तुम्हें किसी बात का पछतावा ना हो। मिस्टर हकी का खुश रहना बहुत जरूरी है, और वो तभी खुश होंगे जब तुम उनके सामने मुस्कुराओगी आंसू। मुझे माफ कर दो।
तो दोबारा ऐसे मत करना। क्यों नहीं? तुमने ही कहा ना कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए। आंसू, मैंने वो अंकल के लिए कहा था। यही मेरा पछतावा है केमार, यही मेरा पछतावा है कि मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया जिसे तुम पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी नहीं जानने का दिखावा करते हो। हर रोज मेरा चेहरा देखते हो, फिर भी ऐसा दिखावा करते हो जैसे तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि मुझे कैसा महसूस होता है। तुम हमेशा यही कहते हो कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ताकि मुझे मेरी सच्चाई पता रहे। तो क्या और कोई तरीका है आंसू? बस तुम ही मेरा एक तरीका हो। अगर मैं रोऊं, हंसूं, गिरूं, ये सब मुझे तुम्हारे साथ करना है। सिर्फ तुम ही मेरी खुशी हो और सिर्फ तुम ही मेरा गम हो।